ओके, तो आज किसकी बारी है वन साइकिल रिव्यू की। ये है टार्बुल म्यूजिक मेट 410। 550 की तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वो दोनों मैंने कर रखी है चैनल पर, ठीक है। और इसकी भी अनबॉक्सिंग की थी शॉर्ट में, जिसने अनबॉक्सिंग नहीं देखी या जिसके पास टाइम नहीं अनबॉक्सिंग देखने का। बॉक्स में क्या मिलता है? एक नेक बैंड, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यूएसबी टाइप सी केबल, यूज़र मैनुअल। और जैसा मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बोला था, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो या कोई भी नेक बैंड, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो हमेशा यूज़र मैनुअल पढ़ लेना चाहिए। वो 4-5 पेज का ही होता है। अब ये फ़ोन जैसा तो है नहीं इसमें, और ये नॉर्मल नेक बैंड भी नहीं है कि बस ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और शुरू हो गए। इसमें म्यूज़िक मोड वगैरह भी है, तो उसका भी स्विचिंग वगैरह एक बार देख लेना चाहिए। खैर, अब समरी, जिसको बहुत वेट नहीं करना है या जिसने 550 की वीडियोस देख रखी हैं, ये 550 का एक छोटा भाई है। ऑफ कोर्स, तो छोटा भाई है तो सारे फीचर्स सेम है। डिफरेंस क्या क्या है कि इसमें 1000 की जगह सिर्फ 500 सॉन्ग्स हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, क्या क्या सॉन्ग्स नहीं है, तो भजन और गज़ल नहीं है, ठीक है। सूफी सॉन्ग्स ये नहीं है, डिवोशनल, सूफी और गजल्स ये नहीं। बाकी कुछ पुराने सॉन्ग्स जिसको डाउन द मेमोरी लेन वाले सेक्शन में रखा गया, और पार्टी हिट्स और रोमांटिक, ये सब हैं। ये डिफरेंस है। एक और दूसरा डिफरेंस मेजर क्या है कि वाइब्रेशन अलर्ट नहीं है कॉल आने पे, ठीक है। तो ये हो गया। और एक हल्का सा डिज़ाइन डिफरेंस ये है कि इस पे फिन्स नहीं है, ये सीधे से, और ये एक कॉन में आगे भी बात होगी, ठीक है। तो ये बाकी सब कुछ क्लेम्स भी सेम है कि 35 आवर्स ऑफ प्ले टाइम, अल्ट्रा फास्ट चार्ज, 10 मिनट्स में 10 आवर्स का प्लेबैक, वो सब सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। समरी आई थी तो जिसका हो गया, जिसने 550 की देखी थी कि हाँ ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और कॉन्स लगभग सिमिलर हैं, बस इसका कनेक्शन ड्रॉ मतलब रेंज थोड़ी बेटर है उससे। 550 के रिव्यू में आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि इसकी 550 की रेंज 300 जितनी नहीं है, लेकिन इसकी रेंज बेटर है 550 से, ठीक है। या तो मेरे यूनिट 550 की यूनिट में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसकी रेंज सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले जो नया है किसी और नेक बैंड में नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसका म्यूज़िक मोड। म्यूज़िक मोड क्या है? जब आप नेक बैंड को ऑन करेंगे, ये वाला बटन प्रेस करके, सर्कुलर बटन, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो वो ब्लूटूथ मोड में ऑन होगा तो वॉइस अलर्ट आपको आ जाएगा कि ब्लूटूथ मोड, तो आप एक बार इस मल्टीफंक्शन बटन को प्रेस करेंगे तो वो म्यूज़िक मोड में चला जाएगा, और वो आपको फोल्डर का नाम बताएगा कि डिवोशनल नहीं है इसमें, सॉरी कि रोमांटिक है या पार्टी वाले सॉन्ग्स हैं या डाउन द मेमोरी लेन है। फिर उस फोल्डर के सॉन्ग्स प्ले होने शुरू होंगे। तो स्विच कैसे करना है वो एक मिनट देख लेना। ये प्लस वाला जो बटन है ना, इसको अगर आप 2 बार प्रेस करोगे क्विकली तो वो फोल्डर चेंज होगा। फोल्डर चेंज मतलब कि अगर आप रोमांटिक सुन रहे हो तो वो नेक्स्ट जो फोल्डर है पार्टी हिट्स उसमें चला जाएगा, ठीक है। और माइनस करोगे तो 2 बार प्रेस करोगे तो वो पीछे जा जाएगा। और सिंगल सिंगल सॉन्ग स्किप करने के लिए एक बार प्लस दबाओगे तो नेक्स्ट सॉन्ग, फिर एक बार प्लस नेक्स्ट सॉन्ग। तो आप बोलोगे कि तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, और ये मेरे साथ भी एक बार प्रॉब्लम हो गई कि मुझे वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा था। तो वॉल्यूम चेंज होता है प्रेस एंड होल्ड से। अगर आप प्लस को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम अप जाएगा, और जैसे ही इसको लीव कर दोगे वो वहाँ रुक जाएगा। फिर माइनस को वैसे ही प्रेस और होल्ड करोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। ब्लूटूथ मोड में भी सेम कंट्रोल है, वहाँ पे भी वॉल्यूम ऐसे ही चेंज होता है प्रेस एंड होल्ड से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की कि बार बार मुझसे गलत हो जा रहा था, क्योंकि मैं बस प्लस प्लस प्रेस करता था तो वो नहीं चेंज हो रहा था वॉल्यूम लेवल, तो प्रेस एंड होल्ड है, ठीक है। और प्ले पॉज बटन भी है, फोर्थ बटन बीच में,
ये प्ले पॉज बटन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राइस रेंज क्या है। तो ऑफ कोर्स 1299 डीजो के जैसे सेम प्राइस्ड मिल गए मुझे प्राइम डे पे, इसलिए मेरी प्राइम डे अनबॉक्सिंग्स की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसमें मैंने तो ये प्राइम डे पे मिले 1299, ऐसे ये 1499 के। तो 1499 में तो नहीं कह सकता, 1299 के हिसाब से सही है। मतलब इसकी फंक्शनैलिटी असल में अलग है। ठीक है, आप इसको बस नॉर्मल नेक बैंड से कंपेयर कर नहीं सकते प्राइस के बेसिस पे, क्योंकि स्टोर्ड म्यूजिक, एड फ्री म्यूजिक और सोनी की हाई क्वालिटी म्यूजिक, ठीक है, इसका क्वालिटी कुछ एकदम भी बेकार नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक है, बहुत मजा आता है सुनने में, बहुत क्लियर साउंड है, बेस भी है, तो ठीक है ना। तो थोड़े सा प्राइस का डिफरेंस इसीलिए। और लेकिन इसमें बहुत सारी, देखिए इसमें फीचर्स बहुत हैं लेकिन इसमें कमियां भी बहुत हैं। ठीक है, ये मेरी इस नेकबैंड से प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि जैसे बैटरी, अब क्लेम्ड है 35 आवर्स, 35 आवर्स तो बहुत अच्छी बैटरी हुई। ठीक है, और फिर फास्ट चार्ज भी क्लेम्ड है कि 10 मिनट्स में इतने आवर्स और 1 आवर में फुल चार्ज, जो भी क्लेम्ड है, 10 आवर में 10 आवर, 1 आवर में फुल चार्ज डीजो से। लेकिन अब आप किसी से कंपेयर करते हो किसी को या उसी को, तो बैटरी लाइफ इसकी 35 आवर्स बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है, मैंने इस बार 50% वॉल्यूम पे ही रखा था, क्योंकि 70% वॉल्यूम ऐसे भी इसका ज़्यादा लगता है, लाउडनेस थोड़ी ज़्यादा है इन ईयरबड्स में, ये प्रो है इसका। तो 35 आवर्स बैटरी नहीं चली 50% वॉल्यूम पे भी, तो आप कोई 30-40% पे तो नहीं सुनेगा ना, 30% वॉल्यूम पे मतलब खैर। तो 35 आवर्स बिल्कुल नहीं चली, 90 से 10% पे, यानी जब से आया तब से 10%, 10% में बहुत बार लो बैटरी का नोटिफिकेशन वगैरह आने लगता है तो इरिटेटिंग हो जाता है, तो फिर चार्ज लगा देता हूँ, जीरो करने की ज़रूरत नहीं। और 90% पे तो आया था, 100% पे आया ना, तो 90% से 10% पे ये 20 आवर्स चला, बस सिर्फ 20 आवर्स। ठीक है, अब देखो, और लेकिन चार्ज ये सिर्फ 1 घंटे में हो गया। अब ऐसे अगर इसे क्लेम्ड से इसको कंपेयर करोगे कि 35 आवर्स में बस 20 चला और 1 आवर में खैर चार्ज हो गया तो वो तो ठीक है, तो ये बेकार लगेगा कि अरे 15 आवर क्लेम्ड कम है। लेकिन अगर आप डीजो से इसको डायरेक्ट कंपेरिजन करो तो उसकी बैटरी 15 आवर्स चलती है बस, यानी इससे 5 आवर्स कम, और चार्ज भी 1.5 घंटे में होती है, 1.5 आवर्स, तो इससे 1/2 आवर्स ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेटर निकल के आता है, लेकिन क्लेम्ड इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता नहीं कि ये क्या तरीका है और कौन से लेवल पे टेस्ट किया जो 35 आवर्स इसकी बैटरी लाइफ आई। और एक और रीज़न है कि डीजो बेटर बैटरी लाइफ, मतलब रियल लाइफ में आपको यूजेज में आपको लगेगा, ये तो मैंने रेगुलर यूज़ किया, ठीक है ना, तो ये एक थोड़ी सी ये हो सकती है, रियल लाइफ यूजेज में डीजो की बैटरी क्यों बेटर लगती है, या किसी भी उस नेक बैंड की जिसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ होता है, उसकी बैटरी क्यों बेटर लगती है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको यूज़ नहीं होता नेक बैंड का। ठीक है, तो आप उसको हटा के जैसे ही कनेक्ट कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, तो बैटरी सेव होगी, लेकिन इसमें तो वैसा नहीं है, या आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसको बटन को प्रेस करके इसको ऑफ करो। ठीक है, वो सब तो कोई करता नहीं, गर्दन पे इसको ऐसे करके स्टिक कर दो तो इसकी बैटरी खर्च होते रहती है, जबकि डीजो को ऐसे स्टिक कर दो तो ऑफ हो जाएगा और उसकी बैटरी सेव होगी। तो इसीलिए रियल लाइफ यूज में किसी भी वैसे नेक बैंड की जिसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ हो उसकी बैटरी बेटर ही लगेगी। ठीक है, अब आते हैं कि एक और फीचर जो डीजो का मिस किया वो था डुअल पेयरिंग। ठीक है, अब कोई भी दो फोन या लैपटॉप और फोन आजकल काम, लैपटॉप पे फोन पे गाने या जो भी वाइस वर्सा, तो ज़रूरत महसूस होती है दो दो डिवाइस की, इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें डुअल मोड है, डुअल पेयरिंग नहीं है। बोलोगे डुअल मोड क्या है, डुअल मोड ये है कि इसके सॉन्ग्स और एक फोन साथ में चल सकते हैं, मतलब
मतलब फोन भी कनेक्टेड रहेगा ब्लूटूथ से, और इसके सॉन्ग मोड में इसका सॉन्ग भी जो 500 सॉन्ग्स हैं इसके प्रीलोडेड वो चलते रहेंगे। हाँ, एक और चीज़, बार बार 500 सॉन्ग 500 सॉन्ग, तो आप बोलोगे कौन से 500 सॉन्ग। तो म्यूज़िक मेट 550 की जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है 500 सॉन्ग्स का PDF का, अगर किसी को देखना हो तो। ठीक है, तो वो देख लेना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, डुअल मोड वैसा है कि आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहेगा, कॉल आएगी, और ये म्यूज़िक मोड में भी होगा तो भी आपको अलर्ट आ जाएगा कि इनकमिंग कॉल आ रही है, तो आप पिकअप कर लेना। अब बोलोगे वाइब्रेशन अलर्ट तो है नहीं, कैसा अलर्ट, तो इसमें वॉइस अलर्ट भी आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं कि ये सब तो हो गया, फीचर्स की बात हो गई, रेंज की बात हो गई, 10 mm ड्राइवर्स हैं, और लाउडनेस बहुत अच्छी है इसकी, लाउडनेस बहुत अच्छी है। मैंने नोटिस किया कि इसको आप 70% पे नहीं सुन सकते ज़्यादा देर, ठीक है, मतलब काफ़ी लाउड होता है, और रात में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि और भी चारों तरफ शांति होती है और काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस लगती है। तो एक इसकी ये अच्छी बात है कि 10 mm ड्राइवर्स में लाउडनेस बहुत अच्छी है इसकी, और जो प्रीलोडेड म्यूज़िक है ना वो अच्छे क्वालिटी के हैं, यही ब्रांडिंग का यही फ़र्क पड़ जाता है सोनी म्यूज़िक के साथ इन्होंने जो भी डील की। और देख रहे हो बॉक्स पे प्राइस देखोगे तो भी वैसा ही लगता है, 499 प्राइस है, ठीक है, तो अब क्या ही बोलूँ, तो सोनी का कमाल है सब। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, तो सब लगभग कवर हो गया। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी है, 10 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, सॉरी। हाँ, तो म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है, जो तो म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस अच्छा है, बेस अच्छा है, इनबिल्ट म्यूज़िक अच्छा है, ब्लूटूथ से कनेक्शन, बस वही मैंने जो बताया, ये बिल्कुल 550 का छोटा भाई है, जो समरी है वो अगर आपने सुन ली तो ठीक है। मतलब कॉल क्वालिटी कैसी है, कॉल क्वालिटी भी सही है, ठीक है ना, जो नेक बैंड में होता है कि ज़्यादा पता नहीं चलता है, ट्रू वायरलेस से तो इस रेंज के बहुत बेटर है। देखो कॉल क्वालिटी में ना, हमेशा कॉल क्वालिटी में या गेमिंग में लेटेंसी वगैरह जिसको बोलते हो, हमेशा यही है, वायर्ड जो होंगे वो लगभग बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद नेक बैंड, और उसके बाद ट्रू वायरलेस। तो ये सब कमियां हैं थोड़ी सी ट्रू वायरलेस और वायरलेस नेक बैंड यूज़ करते समय गेमिंग और कॉल क्वालिटी की, लेकिन बात हो जाती है आराम से, समझ में भी आता है क्या बोल रहे हो आप और दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, और रोबोटिक साउंड नहीं करते बिल्कुल भी, नॉर्मल आवाज़ आती है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रोसेसिंग हो रही है आपके वॉइस वगैरह की, वैसा कुछ नहीं है। अब आते हैं डिज़ाइन फ्लॉग, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कौन जो एक अजीब चीज़ है कि अगर आप इसकी डिज़ाइन देखोगे, ठीक है ना, तो एक तो ये नेक बैंड हार्ड मुझे पसंद नहीं है, जिसको पसंद है उसके लिए सही है, ठीक है, दूसरा कि ये हल्का सा एंगल्ड है बस, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, तो हल्का किया ही था तो 45 कर देते, ठीक है, 45 क्लेम्ड भी हो सकता है, मैंने अब इसका वेब, और इसका एक अजीब बात है कि इसका वेबसाइट ही नहीं एक्सेसिबल है, आप tarbul.com पे जाओगे वो बोलता है कि विल बी ओपन सून, विल बी ओपन सून, अरे भैया आपका प्रोडक्ट सेल पे चला गया, ठीक है, अब बोलोगे अगर वारंटी के लिए कहीं रजिस्टर वगैरह करने का कुछ सीन हुआ तो आप ओपन तो करो अपनी वेबसाइट, और ठीक है 45 डिग्री क्लेम्ड भी हो सकता है मैं जैसा बोल रहा था, लेकिन एकदम कंफर्टेबल नहीं लगता है, स्टिकिंग आउट लगता है, और ये बड़ा यूनिट। और दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि यार वो फिंस के बारे में 550 का मैंने बोला था कि ये सॉफ्ट नहीं है, चुभते हैं या जो भी, लेकिन उसका डिज़ाइन फिर भी बेटर था, वो कान में फिक्स हो रहा था और आराम से लग रहा था कि नहीं ठीक है, मतलब ज़्यादा सेफ लग रहा था। इसके डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है, ये सॉफ्ट तो है लेकिन ये कान में ठहरता ही नहीं, ये ज़्यादा पीछे लगता है, इसको पहले तो आप हल्का एडजस्ट करो आगे, जबकि इसका ग्रूव इतने पीछे है, और फिर कान लगाओ, ईयर टिप्स चेंज भी करके देखी मैंने, ठीक है ना,
तो हल्का सा डिजाइन फ्लो है इसमें, हो सकता है मेरे कान के डिजाइन में ही फ्लो हो, तो वो तो अपना ही कह सकता। तो ये हल्का सा कुछ समझ नहीं आया मेरे को। और डब्बे पे, जबकि अगर आप ध्यान से देखो डब्बे पे जो पिक्चर है ना वो काफ़ी स्लीक है और इतना ज़्यादा प्रोट्रूडिंग नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा डिज़ाइन अचीव होता, ये आप देखो ना डब्बे में और इसमें कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा ईयरबड है, और ये काफ़ी ये लगता है। तो बात हो गई, सब कुछ तो कवर हो गया लगभग। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन ओपन ही है, और भी प्राइम डे अनबॉक्सिंग्स चल ही रही हैं, वो भी देखना है देख लो। और माइक्रो मैक्स वगैरह का लॉन्च था तो वो तो आप लोग देखोगे सब डाल देंगे अनबॉक्सिंग्स वगैरह, ठीक है। ओके। और हाँ देख लेना भाई, ये कम से कम दो चार दो अनबॉक्सिंग्स तो और आनी है, एक और आ जाएगी, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग प्रोडक्ट की आने वाली है, और उसकी बस यूट्यूब पे नॉर्मल यूट्यूबर से, मतलब नॉट लाइक सेलिब्रिटी या फेमस, नॉर्मल जो लोग होते हैं, पीपल पीपल यूट्यूबर जिसको बोलते हैं, उसकी मैंने एक दो ही देखी है वीडियो, तो मेरी वाली ऐसे टॉप कुछ में फ्यू फर्स्ट फ्यू में आएगी, तो वो देख लेना। और पता नहीं मेरे क्या व्यूअर्स हैं, जो भी 20-25 व्यू तो आ ही जाते हैं, तो इंग्लिश का क्या सीन है इंग्लिश चैनल का, क्योंकि वॉइस ओवर करके भी इंग्लिश में अगर किसी को चाहिए, अभी तो कुछ सीन नहीं है कॉलेज वगैरह का भी, तो फ्री ही हूँ। खैर इस वीडियो में इतनी बात नहीं करनी थी।